YouTube फैमिली, तो आज हम बनाने वाले हैं मक्की दी रोटी, साथ में कढ़ी बनाने वाले हैं प्याज लहसुन वाली, हरी प्याज और लहसुन वाली, और एकदम स्वादिष्ट वाली हम मीठी भात बनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ना हम लोग, मैं और मम्मी सब्जियां लेने गए थे, तो हमने सोचा कि अगर प्याज की कढ़ी बनानी है तो हरी प्याज भी तो लानी पड़ेगी ना। और वैसे भी सर्दियों के सीज़न में ना ये हरी प्याज बहुत ही ताज़ी ताज़ी आती है ना, मज़ा आ जाता है। सारी सब्जियां हरी हरी खाने की जब सर्दियां होती है ना, तभी मज़ा आती है। तो घर ला करके हमने सब्जियों को अच्छे से धो लिया, फिर उसको ना पील ऑफ करना होता है। तो ये जो हरी प्याज होती है ना, वो उसके दो तीन जो लेयर्स होते हैं ना, वो निकाल देने होते हैं, और फिर उसको अच्छे से हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेयर्स निकाल करके इसको साफ़ कर दिया, और फिर मम्मी ने इसको चॉप कर दिया था। तो ये देखिए, इसी तरह से आप भी कर दीजिएगा। पहले वाले दो तीन लेयर्स ना ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई डर्ट हो या फिर डायरेक्टली खेतरों से आई होती है ना, तो ऊपर वाला जो लेयर है ना, वो निकाल देना इज़ बेटर ऑप्शन। फिर मम्मी ने चॉप कर दिया अच्छे से इसको बारीक बारीक, और इसका ग्रीन पार्ट भी लेना है हमें और वाइट पार्ट भी लेना है। तो हम ना सब्जी भी बनाएंगे इसकी साथ में, और फिर कढ़ी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने, मतलब मम्मी ने चॉप कर दी है सारी हरी प्याज जो है वो, और इसे अच्छे से धो लेना है। तो अच्छे से मसल के धोइएगा, क्योंकि अगर गंदगी हो ना तो वो सारे निकल जाने चाहिए। फिर मीठी भात बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे भात भी निकाल दिए हैं, यानी कि राइस जो होते हैं ना वो निकाल दिए हैं। उसे भी चार से पांच बार अच्छे से धो ले, और फिर इसको ना करीब हमें आधे घंटे के लिए इसी तरह से भिगो करके रख लेना है, साइड पर रख देंगे ढक करके। फिर अब करते हैं तैयारी हम कढ़ी जो बनाने वाले हैं ना उसकी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक भगोना लेंगे, उसके अंदर दो से तीन चम्मच जितना हमें बेसन ले लेना है। अब कढ़ी बना रहे हैं तो बेसन और छाछ दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो इसका जो घोल है ना, वो अभी से बना करके रख देंगे, और फिर हम सब्जी बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा, इसके अंदर ना गुठलियाँ बन जाती है ना, वो अपने आप ही, थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना इसको, तो वो अपने आप ही अंदर कढ़ी के अंदर, यानी कि जो छाछ होती है ना, उसके अंदर घुल जाएगी, तो गुठलियाँ नहीं रहेगी फिर। और साथ में हम हरी लहसुन भी लेकर आए थे, उसके भी मम्मी ने ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं ना, उसका छोटा छोटा सा एकदम बारीक टुकड़ा कर लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है, और मम्मी ने सीजर से किया है। आप लोग भी ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है, हाथ में कट्स भी नहीं लगते हैं। फिर यहाँ पे एक पैन रख देंगे, उसके अंदर दो चम्मच हम ऑयल डाल देंगे, फिर उसके अंदर जीरा डाल देना है, जीरा चटक जाए ना तब हम इसके अंदर डालेंगे मेथी, यानी कि जो मेथी दाने होते हैं वो डाल देने हैं, साथ में थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, और फिर डाल देना है हरी मिर्ची, और जो हमने प्याज कट करी है ना हरी प्याज, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरी मिर्ची को पकाने के बाद प्याज ऐड कर दीजिएगा, और जो हमने हरी लहसुन जो चॉप करी ना, वो भी ऐड कर देनी है। मसाले में सबसे पहले ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हम मिर्ची ना ज़्यादा डालेंगे ना तो कढ़ी का जो रंग है ना वो बदल जाएगा। और इसके अंदर ऑलरेडी हमने हरी मिर्ची जो डाली ना, वो तीखी वाली मिर्ची है, तो तीखापन तो उसी से आ जाएगा। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, और अब इसे अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद ना इसे थोड़ा सा हमें पकने देना है, करीब 5 मिनट के लिए पकने देंगे ढक करके। और तब तक क्या करते हैं, ये जो हमने कढ़ी का घोल रेडी किया है ना, उसके अंदर हम मसाले कर देंगे। तो ये देखिए, ये इसके अंदर सारी गुठलियाँ जो थी ना, वो सारी घुल गई है, और अब मसाले में हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, और धनिया जीरा पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। तो धनिया जीरा पाउडर जो है ना, वो हम सूखी धनिया जो होती है ना, वो और जीरा दोनों को एक साथ ही पिसवाते हैं। आपके घर पे दोनों मसाले अलग करते हो या फिर एक ही साथ पिसवाते हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये देखिए, हमारी सब्जी जो है ना, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ना थोड़ा सा हम निकाल देंगे, और बाकी की हम कढ़ी बना लेंगे। तो ये सब्जी के तरह भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, जब आपको सब्जी बनानी हो तो यही प्रोसेस होती है। हरी लहसुन की और हरी प्याज दोनों की सब्जी बिल्कुल इसी तरह से बनती है। अब जो हमने बेसन और छाछ का घोल रेडी किया था ना, वो हम सब्जी के अंदर डाल देंगे, यानी कि हम प्याज की सब्जी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी डाल देंगे। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि एकदम गाढ़ी ना हो जाए, मतलब कि खाने जितनी गाढ़ी, एकदम हमें इसके पीस नहीं करने, इसलिए ये ध्यान में रखना होगा कि ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है।
तो अब शुरू करते हैं हम मीठी भात बनाने की तैयारी। तो उसके लिए हमने साइड पे कर दिया है कढ़ी को उबलने के लिए, वो साइड पर उबलती रहेगी। और यहाँ पे हम बनाएंगे मीठी भात। तो उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हम घी ऐड कर देना है। तो घी के अंदर ही बनाएंगे, ऑब्वियसली कोई भी मीठी चीज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली हम उसे घी के अंदर बनाएंगे। और घी गर्म होने पे हमने उसके अंदर डाल दिया है इलायची, इलायची के 4 हम पीस डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। बादाम है, काजू है, फिर पिस्ता है, और बस ये 3 चीज़ है। और हाँ, किशमिश भी है। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए ना, उसे थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे घी के अंदर। और फिर हमने जो भात भिगोए थे यानी राइस भिगोए थे ना धोकर के अच्छे से, वो ऐड कर देने हैं। और उसे थोड़ी देर यानी कि 2 मिनट के लिए इसी तरह से घी के अंदर थोड़ा सा सेक लेना है, यानी कि सौते कर देना है। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर दूध। तो हम ये जो मीठी भात है ना, मीठी भात ऑलवेज येल्लो कलर की होती है, तो ये जो येल्लो कलर आएगा ना वो सारा आएगा केसर से। तो हमने केसर को भी एक बोल में दूध के साथ थोड़ा सा भिगो करके रख दिया है। और यहाँ पे हमने भात के अंदर दूध ऐड कर दिया है, और साथ में जो केसर वाला दूध बनाया है ना वो भी ऐड कर देना है। तो आप लोगों को मेरी टेक्निक तो पता ही होगी कि केसर वाला कलर हम किस तरह से लाते हैं। जी, केसर को थोड़ा सा पहले रोस्ट कर दीजिए, ड्राई रोस्ट, और फिर उसके अंदर डाल दीजिए दूध। फटाफट से केसर का जो रंग है ना वो सारा छूटने लगेगा। और अब मीठी बात है तो मीठा भी तो डालनी होगी ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप जितनी शक्कर ऐड कर दी है। और आप चाहे तो गुड़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। पर ये वाली हम शक्कर से बना रहे हैं। और थोड़ा सा उसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देना है। इलायची के साथ हमने इसके जायफल भी पीसा हुआ है, तो जो मिठाई बनाते हैं ना उसके अंदर दोनों का टेस्ट जो है वो साथ में ही आ जाता है। और ये भात को अब हमें पकने देना है, यानी कि प्रेशर कुक होने देना है। 1-2 विसल तक हम इसे पकाएंगे। और अब करते हैं हम मक्की की रोटी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मक्की का लोट लिया है और उसके अंदर डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। ये मिक्स करने के बाद इसका जो आटा है वो हमें पानी से लगा लेना है। तो पानी डाल करके ना ये जो आटा है वो जब तक चिकना ना हो जाए तब तक हमें इसे मसलना है। तो मेरी मम्मी किस तरह से बनाती है ये आटा मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड पर थोड़ा सा यहाँ पे आटा लेती है, उसको भिगोती है, और फिर उसके हम बनाते हैं रोटियाँ। तो इस तरह से मम्मी ने देखो पहले थोड़ा सा आटा लिया है, उसको अच्छे से भिगो करके चिकना करके फिर हाथों से ही मम्मी बनाती है मक्की की रोटी। तो आपके घर पे किस तरह से बनती है मक्की की रोटी वो बताना। कई लोग हैं ना वो जो चकना होते हैं ना उसके ऊपर भी बनाते हैं। और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है मक्की की रोटी बनाने की। अब उसको हमने डाल दिया है एक पैन के अंदर, और ऊपर से थोड़ा सा पानी से लगा देना जिससे कि वो फटेगा नहीं, जो हमारा रोटी है ना वो नहीं फटेगी। और यहाँ पे हम तड़का लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक पैन लेना है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स तड़के में जाएंगे ना वो ऐड कर देंगे। जीरा है, करी पत्ता है, फिर यहाँ पे 2 मिर्ची ली है, सूखी लाल मिर्ची, और घी ऐड कर देना है, और हाँ थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देना। और ये जो हमने तड़का रेडी किया है ना, अब उसको गरम कर देंगे। ये तड़का लगाने के लिए एक नई टेक्निक है, तो ये वाली टेक्निक ट्राई ज़रूर करना एक बार, और कमेंट करके बताना कि नहीं की। ठीक है, आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, मैं बता रही हूँ, दैट इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। अब ये जो तड़का है उसके अंदर हमने लाल मिर्ची ऐड कर दी है, और इस तड़के को लगा देंगे कढ़ी के अंदर। कढ़ी उबल चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है अच्छे से। और थोड़ा सा तड़का फैला लेने हैं, और इसको ढक करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब यहाँ देखिए हमारा जो रोटी है मक्की की वो भी बन रही है, एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, अब दूसरी साइड से भी इसे सेक लेनी है। और यहाँ पे हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मेरी मम्मा किस तरह से रोटी सर्व करती है वो दिखाती हूँ। इस तरह से ना मम्मी इसके अंदर होल्स कर देती है, चिमटी लगा करके इस तरह से होल कर देने हैं, और फिर घी डाल देना है। तो भरपूर घी होता है ना इसके अंदर, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कभी अकेली सिर्फ मक्की की रोटी ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए अब सब कुछ सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी जो है उसको अच्छे से मिला देंगे, इसके अंदर तड़का लगाया था ना, तो कढ़ी को मिला करके इसको हम निकाल देंगे एक सर्विंग बोल में, और उसे सर्व कर देंगे। और आप लोगों को आज तो कमेंट करके बताना होगा कि आपके घर पे ये कढ़ी बनती है कि नहीं बनती, और आप लोग ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट तो मुझे 100% करना ही बस।
आई जस्ट वॉन्ट योर कमेंट्स। और साथ में हमने मीठी बात जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसे भी सर्व कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और उसके ऊपर हमने गार्निश किया है सिल्वर लीफ जो होता है चांदी का वरक वो, और साथ में है सब्जी जो हमने बनाई थी ना, हरी प्याज की सब्जी, और ये है मक्की की रोटी। सब कुछ रेडी हो चुका है, ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए, जिससे कि आप लोगों को सारी रेसिपीज़ ना जब भी हम अपलोड करें ना तब मिलती रहे, और बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ ना बाकी आने वाली है, तो आपका सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। और मुझे कमेंट तो आपको डेफिनेटली करना ही होगा कि आपको कैसी लगती है रेसिपी, और आगे कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।